हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 सितंबर 2018 की फिल्म्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेके, डीएसी के बारे में। तो कंटेक्स्ट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, कैसी है, काम करती है, कौन इसके चेयरमैन है, कौन इसके हेड वगैरह होते हैं, वो सब बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जब भी आर्म फोर्स होती है इनको कई बार इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत होती है, मतलब कई बार इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो बाहर से खरीदने पड़ते हैं, या फिर इंडिया के अंदर भी अगर खरीदने वगैरह हैं तो उनको लेके काफ़ी असंदिग्धताएं रहती हैं। कई बार आरोप लगता है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की गई है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए कि भाई जो आर्मी को जो आप बोल सकते हो कि एयरफोर्स और नेवी तीनों को अगर किसी चीज़ की जरूरत है और करप्शन ना हो उसमें, इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का निर्माण है वो किया गया था। इसको बेसिकली 2001 के टाइम पे बनाया गया था। तो एक तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि इसे भी रिसेंटली बनाया गया। यूपीएससी पूछ सकती है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसका काम है केवल जो वो फॉरेन से चीज़ें इंपोर्ट करनी है उनके लिए ओनली काम करती है, या फिर पूछ सकते हैं कि इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर आपको पूछ सकती है कि भाई इसके जो इसका जो काम है वो बेसिकली मतलब गवर्नमेंट है वो खुद अपने आप से रेगुलेट वगैरह करती है। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शंस वगैरह दे सकती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो बेसिकली सैन्य खरीद में जो करप्शन होता है उसे निपटने के लिए 2001 में एक निर्णायक बॉडी के तौर पर बनाई गई थी। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कि हमारे जो रक्षा मंत्री होते हैं वो बेसिकली इसके हेड है वो होते हैं। तो आप चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो, बात ऐसी है कि जो भी आर्मी के लिए, नेवी और एयरफोर्स के, मतलब हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए हर साल बजट एलोकेट होता है, उस बजट का हम बेहतर ढंग से यूज कर सकें। देखो, चीज़ें तो हर साल बहुत सी इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं और हमें हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाना पड़ता है, बट हो सकता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे मान लो कि नेवी के लिए कोई शिप वगैरह बनाना काफ़ी ज़रूरी है, या फिर एयरफोर्स के लिए कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है वो लेना ज़रूरी है, या फिर हो सकता है कि कोई गन वगैरह की ऐसी ज़रूरत है आर्मी के लिए। तो अगर जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है और जो प्रायोरिटीज़ पे हैं उनका यूज, उनको बाई किया जाए पहले बजट के आधार पे, ये सब डिसाइड किया जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। मतलब बजट जो जितना दिया गया है उस बजट के आधार पे आर्म फोर्स की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको जो जो चीज़ों की जरूरत है वो बेसिकली यहाँ पे खरीदी हो जाती हैं। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जैसे लॉन्ग टर्म की कोई प्रोक्योरमेंट है, जैसे मान लो कि कोई शिप वगैरह बनानी है, या फिर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट वगैरह है जिसको खरीदना है बाहर से, या फिर बाहर से आप ये बोल सकते हो कि उसके कुछ पार्ट्स वगैरह खरीदने हैं, तो उसके लिए जो भी पॉलिसी होगी, जो भी गाइडलाइंस वगैरह होंगी, वो भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे इसके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, वो हमने यहाँ पे जाने। अब चलते हैं हम कंटेक्स्ट की ओर। देखो, आज का जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 9,100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट एलोकेट किया है इसके लिए, आकाश मिसाइल की प्रोक्योरमेंट के लिए, और इसी के साथ ही एक नया बाबोचित्व सिस्टम जिसका नाम है IUWBA, जिसका मतलब है इंडिविजुअल अंडर वाटर ब्रीदिंग अपर्टस। इनका मतलब देखो, वो तो हमें ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है डीपली कि क्या चीज़ है, बट आपको बता दूं, आकाश मिसाइल है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसकी ज़रूरत है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो उसको यहाँ पे आकाश मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है वो खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो इंडिविजुअल अंडर वाटर ब्रीदिंग अपर्टस होता है, ये बेसिकली टैंक के अंदर जो भी टैंक में लोग मतलब ट्रेवल करते हैं, या फिर टैंक को जो लोग रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं टैंक में बैठ के, वो अगर कहीं दलदल में कहीं फंस जाए तो उनको एयर ब्रीदिंग के लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता है। तो वो सब प्रोक्योरमेंट, अभी प्रोक्योरमेंट के लिए बात है वो कर रही है, तो उसको लेके आर्टिकल आया था। तो हमें पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, कैसे है, काम करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है जोनल काउंसिल्स को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली साउथ जोनल काउंसिल्स की मीटिंग है वो बेंगलुरु में आयोजित है वो हुई थी। काम क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस कंटेक्स्ट कुछ इतना खास नहीं है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में। जोनल काउंसिल है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो बनाई गई थी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। जोनल काउंसिल का निर्माण है वो किया गया था। अब यूपीएससी आपको जैसे चार ऑप्शन ऐसे दे देती कि पहला ऑप्शन कि एक तो स्टेचुरी बॉडी है, दूसरा दे दे कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि 1956 में बनी है मतलब आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसका मतलब सीधी सी बात यह कि है स्टेचुरी बॉडी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो ही नहीं सकती। काम क्या है इसका वो देखते हैं। इसका काम ये है देखो कि एक तो डिलिबरेटिव और एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे यह काम है वो करती है, मतलब
विचारशील और सलाहकार के तौर पे ये काम वो करती है। डिलीबरेटिव का मतलब है कि आपस में विचार विमर्श कर सकती है, और एडवाइजरी का मतलब केवल एडवाइस वो दे सकती है। ये दोनों ही वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं कि जनरल काउंसिल है उसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता है, केवल यह सलाहकारी और विचारशील होती है। काम इसका बेनिफिट ये होगा कि तो इंटर स्टेट कोऑपरेशन और इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए। देखो आपको बताऊं, 1956 में हमारे देश के अंदर जो स्टेट थे उनको वापस से एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया था, मतलब रीऑर्गेनाइज है वो किया गया था, जैसे कुछ स्टेट को तोड़ फोड़ के नए स्टेट बनाए गए थे, इसके कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे। तो जो भी स्टेट आपस में टूटे फूटे, आपस में स्टेट के बीच में जो भी इश्यूज थे उनके बीच में मतलब एक समन्वय बना रहे, ऐसा नहीं हो कि स्टेट है वो आपस में एक दूसरे से मतलब बैर रखने लग जाए और उसमें आपस में लड़ाई बढ़ने लग जाए। एक स्टेट दूसरे स्टेट को कोऑपरेट के लिए सपोर्ट करें, इन सब चीज़ों के लिए ही इंटर स्टेट कोऑपरेशन और आपस में स्टेट हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करें, इसके लिए बेसिकली जोनल काउंसिल हैं वो बनाई गई थी। तो हमारे देश में हम बात करें तो टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं जो ये स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 है इसके तहत। कौन कौन सी 5 हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। तो इसके 5 तो जोनल काउंसिल हैं वो बनाई गई हैं। कौन कौन से स्टेट किसमें आते हैं ये इतना डीपली में जरूरत नहीं है यूपीएससी के लिए, वो जो स्टेट स्पीचेस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट हो जाता है। तो अभी साउथ जोनल की मीटिंग है वो भी हुई थी। अब बात करते हैं इसके हेड की। देखो इसके हेड की अगर हम बात करें तो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जोनल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर। और बात करें इसके वाइस चेयरपर्सन की तो वाइस चेयरपर्सन होते हैं जोनल के जो भी स्टेट होते हैं वो हर साल रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, एग्जांपल ले रहे हैं बस सिर्फ कि नॉर्थ स्टेट्स की इस बार वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो मान लो कि एक बार हरियाणा के जो सीएम है वो हो जाएंगे, दूसरी बार फिर पंजाब के सीएम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर साल वाइस चेयरपर्सन है वो रोटेट होते रहते हैं, जबकि चेयरमैन होते हैं वो हर साल होम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और आता है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं 8 स्टेट आते हैं जिनमें आपको पता है कि सिक्किम है, मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, इन स्टेट की बात करें हम तो इनके लिए बेसिकली अलग से प्रावधान किया गया है, वो बेसिकली इन जोनल काउंसिल में नहीं आते हैं। उसके लिए अलग से जोनल काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अलग से जोनल काउंसिल बनाई गई थी जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972, उसके तहत उसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये इफेक्ट दोनों हमें अलग है वो रखता है। इसकी बाकी जो बात करें हम चेयरपर्सन की तो वो होम मिनिस्टर ही होते हैं, बस फैक्ट कुछ अलग ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा कि जो बाकी 5 इसकी बात हम करते हैं जोनल काउंसिल की वो तो बनाई गई थी 1956 के एक्ट के तहत, जबकि यहाँ पे बात करें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं 8 उनके लिए बेसिकली बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972 के तहत। तो ये बेस्ट फैक्ट है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ई सहज पोर्टल को लेके। तो पहले तो हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि अभी ई सहज पोर्टल है वो बनाया गया था, क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश में जैसे कई बार किसी भी कोई कंपनी वगैरह के कोई लाइसेंस लेना है या फिर कोई ऐसी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह गवर्नमेंट से साथ साइन करना है या फिर गवर्नमेंट से किसी प्रकार कोई अनुमति लेनी है, परमिशन लेनी है, कोई भी ऐसा संवेदनशील काम हो सकता है, हो सकता है हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जैसे मान लो कि किसी को बंदूक वगैरह के लिए गन जैसे बारूद वारूद बनाने की फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट है वो काफी सेंसिटिव नजरिए से पहले तो जांच करेगी कि भाई ऐसा तो नहीं है कोई नेमी कंट्री के साथ कुछ मतलब उनकी साजिश वगैरह हो, कुछ ऐसा एक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही गवर्नमेंट परमिशन देती है और उसके बाद ही वो कंपनी वगैरह जो है आप जो भी फैक्ट्री वगैरह है वो इंस्टॉल होती है बेसिकली। तो मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कुछ कंपनीज के लिए या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और वो बेसिकली देखो पहले तो प्रोसीजर ये थी कि अगर हमें जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना है मतलब कि सुरक्षा मंजूरी लेनी है तो उसके लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता था, फिर वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता था, फिर हमें वेट करना पड़ता था, मतलब काफ़ी लंबी प्रोसीजर हो जाती थी। तो अभी ई सहज पोर्टल बनाया गया है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई होम मिनिस्ट्री से जो भी आपको इस तरीके की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है उसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन वगैरह को ट्रैक कर सकते हो। मतलब आपको बार बार ऑफिस वगैरह के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा एक तो ये होगा कि करप्शन कम होगा,
देखो जब जिस भी पर्सन को अगर कोई भी क्लियरेंस लेना है तो उसको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो मतलब उसका आपस में इंटरकनेक्शन ही नहीं होगा अधिकारियों से, तो करप्शन वगैरह की बात सामने आएगी नहीं, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तो इन सारी चीज़ों के लिए और काम भी क्या है काफ़ी जल्दी हो जाएगा, लाइव स्टेटस पता चल जाएगा, करप्शन धांधलेबाजी भी नहीं होगी कि नहीं है, जैसे कुछ अधिकारी वगैरह ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सर हमें तो अप्लीकेशन मिला ही नहीं, हम कैसे इसको क्लियरफाई वगैरह करते, ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। इसके लिए ई सेज पोर्टल है वो बनाया गया है, मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो प्रोवाइड करवाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, उसमें लाइव स्टेटस वगैरह को ट्रैक किया जा सकता है, वो है ई सेज पोर्टल। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके फायदे ये होंगे कि एक तो हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की बात करते हैं हर साल हम, वो रैंकिंग हमारी बढ़ेगी और उसमें हमारा कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि देखो लोग इजीली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, धांधलीबाजी नहीं होगी। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी और जिससे जीडीपी बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ फायदे होंगे। इसके साथ एक हेल्दी कंपटीशन का निर्माण होगा, जिसमें क्या है कि सभी जो भी कंज्यूमर सॉरी जो भी तरह से कंपनीज हैं उनको सबको आपस में कंपटीशन का एक मौका मिलेगा, ताकि सब अपनी अच्छे से ग्रोथ है वो कर सकें। तो ये इसके कुछ बेनिफिट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन को लेके। देखो पहले तो हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है क्या, किस तरीके से बेसिकली काम है वो करता है और क्या अभी कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट काफ़ी अच्छा है। कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल जो टेली कम्युनिकेशन यूनियन है वो भी ये सोच रहा है, मतलब अभी डिसाइड हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है इस चीज़ को लेके, कि भाई साउथ एशिया का जो एरिया है उसका ऑफिस है वो दिल्ली में खोला जाए, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का साउथ एशिया कोई ऑफिस नहीं है और उसको भी दिल्ली में ओपन करने की बात हो की जा रही है। इसी के साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर है वो भी दिल्ली में बनाया जाएगा, मतलब साउथ एशिया एरिया का ऑफिस और टेक्निकल इनोवेशन सेंटर है वो दिल्ली में बनाने की बात है। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, उसको लेके कंटेक्स्ट है वो आया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में, ITU। देखो ITU है वो एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है, ये हमें पता है। बेसिकली इसको बनाया गया था 1865 में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है, 1865 में जब इसको बनाया गया था तब बनाया गया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के तौर पे। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1865 में ITU को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के तौर पे बनाया गया था, उसके बाद में इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। तो मतलब हम अब ये कह सकते हैं कि है अब तक के जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पुरानी है, बस इसका नाम ही एक तरीके से चेंज है वो है, जो कि अभी एक्टिव फॉर्म में। देखो कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूट सॉरी कुछ तो ऐसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थे जो कि पहले काफ़ी पुराने थे बट वो बंद हो चुके हैं, बट यही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अभी तक सबसे पुराना होने के बावजूद मतलब एक्टिव फॉर्म में है। तो एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, 1865 में इसे बनाया गया था और अभी तक ये काम है वो कर रहा है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि टेली कम्युनिकेशन जो ऑपरेशन होती हैं इसके अंदर आपस में कोऑर्डिनेट करना इंटर कंट्री, इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल सर्विसेज होती हैं टेली कम्युनिकेशन को लेके, उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाना, उनके गाइडलाइंस वगैरह बनाना, जैसे कि स्पेक्ट्रम वगैरह को लेके, इसके साथ ही ग्लोबल लेवल के जो पैरामीटर्स हैं इस स्पेक्ट्रम को लेके, उन सबको भी ये बेसिकली डिसाइड है वो करता है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे हम बात करें कि रेडियो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी कैसे करनी होती है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी पॉलिसीज यूज़ करनी है, उन सब के लिए गाइडलाइंस वगैरह है वो जारी की जाती हैं, पॉलिसी हैं वो बनाई जाती हैं। इसके साथ ही टेली कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं और टेली कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस है वो किया जाता है। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ITU है वो बनाया गया था। तो कुछ इसके बारे में फैक्ट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि देखो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है इसमें गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन किए हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से किसानों को फसलों का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उनसे बचाने के लिए फसल बीमा योजना में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। बेसिकली देखो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 2016 में आई थी, इससे पहले एक दूसरी योजना थी किसानों के लिए जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो 2016 तक तो चल रही थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए और नई स्कीम आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। काम क्या होता है? देखो कोई भी अप्रत्याशित घटनाएं, मतलब जैसे कि ओलावृष्टि हो गई या फिर कहीं बाढ़ आ गया
या फिर कहीं ऐसे ही मतलब कुछ भी सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से किसानों की फसल है वो खराब हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे रीजंस जिनको रोका नहीं जा सकता, और उनकी वजह से ऐसी हानि हो गई है जिसको भरपाई करना काफी मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में किसानों को कुछ ना कुछ राहत दी जाए ताकि किसान अपनी आजीविका को चला सकें, और वो अपना जो भी खर्चा हुआ है, आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसे निपटने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो लाई गई थी। अब इसमें कुछ संशोधन इस प्रकार किए गए हैं कि एक तो जो हॉर्टिकल्चर की जो फसलें होती हैं, ये 12 मासी फसलें हैं, इनको बेसिकली इंक्लूड किया जाए। पहले हॉर्टिकल्चर की सारी फसलों को इंक्लूड नहीं किया जाता, अब ये प्रावधान करने की बात है कि भाई जो 12 मासी मतलब जो 12 महीने साल में फसलें चल रहती हैं हॉर्टिकल्चर में, बागवानी फसलों में, उनको इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। इसके साथ ही जैसे जंगली जानवरों के अटैक के बाद फसलों का लॉस हो जाता है, तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंक्लूड है वो किया जाएगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट काम ये किया गया है कि आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड की हेल्प से ये पता चल पाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई किसान है वो बार बार मतलब किसी डुप्लीकेसी के तौर पे बीमा का फायदा है वो उठा रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आधार है वो अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस करेंगी किसानों की फसलों का, उनको जितना भी प्रीमियम मिल रहा है, ये मान लो कि उनको टोटल प्रीमियम मिल रहा है 100 रुपये, तो उसका 0.5% जो पैसा है वो उनको हर साल प्रचार प्रसार में खर्च करना होगा फसल बीमा के बारे में, किसानों को अवेयर करने के बारे में, ताकि किसान ज़्यादा अवेयर हो और फसलों का जो मिसयूज है, जो फसलों का लॉस हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये कुछ इसमें चेंजेज किए गए हैं। इसमें एक फैक्ट ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें खरीफ की जो फसल होती है इसके लिए प्रीमियम रखा गया है 2%, मतलब जितनी भी लागत की आप फसल बो रहे हो उसका 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके साथ ही रबी के लिए रखा गया है प्रीमियम 1.5%, और जो अदर फसलें होते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर बागानी फसलें होगी या फिर जो कॉमर्शियल फसलें होगी, इनके लिए 5% प्रीमियम है वो दे करना होगा किसानों को, इसके बाद उनको मुआवजा वगैरह जो भी मिलेगा। और एक इसमें इम्पोर्टेंट प्रावधान ये आपको बता दूं कि जिन भी किसानों ने इंस्टीट्यूशनल लोन लिया है, मतलब जैसे बैंकों वगैरह से लोन लिया है, उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कंपलसरी, मतलब उनको फसल का बीमा करवाना जरूरी है, अदरवाइज उनको लोन वगैरह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो लोन अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या, किसान फसल नहीं बो पाएंगे। अगर किसान को लोन की जरूरत है तो उनको बीमा करवाना पड़ेगा ताकि रिस्क ना हो किसान के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बनाया है कि जो भी किसान इंस्टीट्यूशनल लोन ले रहे हैं, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपल्सरी, उनको फसलों का बीमा करवाना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन आज की, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में हमने यहाँ पे जाना कि भी नए जो इंस्ट्रूमेंट हुए हैं प्रोक्योरमेंट से उनकी की जा रही है। इसके साथ हमने जनरल काउंसिल के बारे में जाना कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसके तहत 5 जनरल काउंसिल बनाई गई थी और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एक्ट आया था जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972। इसके साथ ही हमने ई सहज पोर्टल के बारे में जाना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक पोर्टल है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लेने के लिए, ताकि लाइसेंस और जो भी अनुमति लेनी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो, अनुबंध वगैरह, वो क्लियरेंस है वो इजीली हो सके। इसके साथ ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में जाना, जिसको अभी कंटेक्स्ट में हमने जाना कि वो साउथ एशिया का जो ऑफिस है वो बनाने जा रही है दिल्ली में, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर भी दिल्ली में बनाया जाएगा। इसके साथ हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जाना जो कि बेसिकली किसानों के साथ जो भी ओलावृष्टि या फिर कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना जिससे किसानों को फसलों का लॉस हो जाता है, उनसे निपटने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। अब आपसे एक आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपने चारों का नाम सुना होगा आज का काफ़ी न्यूज़ में, CHARON, ये काफ़ी न्यूज़ में ही क्या है, क्या ही है, कोई मतलब एक तरीके से स्पेस एजेंसी है, या फिर आप बोल सकते हो कि नासा का कोई मिशन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि यह है एक तरीके से मार्स का जो मून है वो है, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यह प्लूटो का मून है, और चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि यह इंडिया का ही एक स्पेस क्राफ्ट है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन आपको बताना है चारों के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये तो थी आज की मेरी डिस्कशन, फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।